कि भी हमारे अंदर ठीक हो तो बात हो खोल दो, आप बोलो बिल्कुल खोलिए, मैं बस छुपा लेंगे क्या, ये, तो ये भाई साहब खड़े होने लगे, थोड़ा सा इशारा सा कर रहा है कि उन्होंने मैंने कर दिया। ठीक है इनकी पुलिस की वहा है बातचीत, कहना इनका नशा ढिल्ला नहीं होगा, ये सम्मान आप झूठ ना बोलियो हो या ऐसा था मैं तो कहना चाहते हैं, मैं जो थोड़ा सा नहीं, मैं इसलिए नहीं पहन बैठाया, ये उठ के जाने वाले थे, ये कुर्सी छोड़ रहे थे, मैंने कहा आप बैठो वो भी बैठेंगे, नहीं हमें यूं महसूस हो रहा है, आपको महसूस हो तो गलत महसूस हो चौधरी साहब, और ना ही मैं कोई तानाशाही करता हूँ, सीधी सी बात समझिए आप, ऐसा कोई विषय आपका आपके कार्यकर्ता का ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिससे मैंने जमीन मत करने की कोशिश नहीं की है। अगर ब्लेम लगाना है चौधरी साहब तो कुछ भी ब्लेम लगा लो, किसी तानाशाही कर रहे हो, आप तो नहीं थे अभी, आपसे पहले आपके कार्यकर्ता बैठे हुए थे, क्या मैंने उनकी एप्लीकेशन उठा के फेंक दिया, यहाँ तो 25 लोग बैठे हुए हैं, 25 लोग की बात सुन रहा है, ये है बातचीत कुछ नहीं, आप भी परिवार से हो, अपने परिवार से, अब ये बात मानेंगे चौधरी साहब तो आपको अच्छा लगेगा, ये बात सुन के अच्छी लगती है, अगर मैं परिवार का बोलते हैं तो मानिए ना मुझे, आपने पहली बात में ये बात बोली, इतने लोगों के सामने आप ये बात बोल रहे कि मैं तानाशाही कर रहा हूँ, अगर मैं तानाशाही कर रहा होता आप किस व्यक्ति की बात मैंने आज तक नहीं मानी है, जेन्युइन डिस्कशन, अगर आप ये कहेंगे भाई मैं जो एप्लीकेशन लेके आ जाऊंगा उस पर जो कार्रवाई बोल दूं वो होना चाहिए चौधरी साहब, ये दिक्कत है, ये समस्या है, मैं तो अपने परिवार के लोगों को बोल देता हूँ कि देखो भाई ये गलत है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, जो जेन्युइन चीज है मैडम से बातें, मैडम मेरे पास चौथी बार आ रही है, मैडम क्या आपका सम्मान नहीं होता, मैं कागज उठा के फेंक देता हूँ, सम्मान नहीं हो सर, उन्हें वो हमने वहां भी कहा था, जो लोग आए थे हमारे प्रतिनिधि मंडल, आपको बिठा करके मैंने 20 मिनट समझाया था, सम्मान आप किसको कहते हैं मुझे नहीं पता है, 20 मिनट मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बोला कि मेरे 4 ऑफिसर आपके केस में जांच कर चुके हैं जी, मुझे याद है आप कह रहे हैं जिस चीज की बात कह रहे हैं, जिस चीज के विषय पे जो साहब बोल रहे हैं ना कि वो लेके आए सम्मान वाली बात थी, तो वो दूसरा प्रतिनिधि मंडल आया था, सम्मान नहीं हुआ था, वहां से उन्हें कह दिया था बाहर जाइए, कौन से विषय बात कर रहे हैं, ऐसा कोई देखिए अरे जब आप पर भी बहुत काम है कुछ नहीं, थोड़ा सा और कोई काम नहीं है, आप आइए पूरा सम्मान है, और गलत समझते हैं आप, दिक्कत ही है मेरी, मैं अगर ये उनके वहां जाके बैठ जाए, ये आप चाहते हैं कि अफसर ये करें जाकर वहां जाकर दूसरी जगह बैठ जाए, मैं तो इनको रोका कि भाई आप यहीं बैठिए, वहां पे चौधरी साहब भी बैठेंगे, जिले पर राज कर लो छा जाओ तो ऐसी नहीं कुछ भी बात है कि भी हमारे अंदर ठीक खोल दो बात को खोल दो आप बोलो बिल्कुल खोलिए मैं बस छुपा लेंगे क्या तो ये भाई साहब खड़े होने लगे थोड़ा सा इशारा सा कर रहा है कि उन्होंने मैंने कर दिया ठीक है इनकी पुलिस की वहा है बातचीत कहना इनका नशा ढिल्ला नहीं होगा ये सम्मान आप झूठ ना बोलियो हो या ऐसा था आप क्या कहना चाहते हैं मैं यूं कहना चाहूँ ये जो थोड़ा सा नहीं मैं इसलिए नहीं पहन बैठाया ये उठ के जाने वाले थे ये कुर्सी छोड़ रहे थे मैंने कहा आप बैठो वो भी बैठेंगे हमें आपको महसूस हो तो गलत महसूस हो चौधरी साहब और ना ही मैं कोई तानाशाही करता हूँ सीधी सी बात समझिए आप ऐसा कोई विषय आपका आपके कार्यकर्ता का ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिससे मैंने जमीन मत करने की कोशिश नहीं की है अगर ब्लेम लगाना है चौधरी साहब तो कुछ भी ब्लेम लगा लो किसी तानाशाही कर रहे हो आप तो नहीं थे अभी आपसे पहले आपके कार्यकर्ता बैठे हुए थे क्या मैंने उनकी एप्लीकेशन उठा के फेंक दिया यहाँ तो 25 लोग बैठे हुए हैं 25 लोग की बात सुन रहा है बातचीत कुछ नहीं आप भी परिवार से हो अपने परिवार से अब ये बात मानेंगे चौधरी साहब तो आपको अच्छा लगेगा ये बात सुन के अच्छी लगती है अगर मैं परिवार का बोलते हैं तो मानिए ना मुझे आपने पहली बात में ये बात बोली इतने लोगों के सामने आप ये बात बोल रहे कि मैं तानाशाही कर रहा हूँ अगर मैं तानाशाही कर रहा होता आप किस व्यक्ति की बात मैंने आज तक नहीं मानी है जेन्युइन डिस्कशन अगर आप ये कहेंगे भाई मैं जो एप्लीकेशन लेके आ जाऊंगा उस पर जो कार्रवाई बोल दूं वो होना चाहिए चौधरी साहब ये दिक्कत है ये समस्या है मैं तो अपने परिवार के लोगों को बोल देता हूँ कि देखो भाई ये गलत है ये मेरे से नहीं हो पाएगा जो जमीन चीज है मैडम से बातें मैडम मेरे पास चौथी बार आ रही है मैडम क्या आपका सम्मान नहीं होता मैं कागज उठा के फेंक देता हूँ आपका सम्मान नहीं हुआ सर उन्हें वो हमने वहां भी कहा था जो लोग आए थे हमारे प्रतिनिधि मंडल आपको बिठा करके मैंने 20 मिनट समझाया था सम्मान आप किसको कहते हैं मुझे नहीं पता है 20 मिनट मैंने आपको समझाया मैंने आपको बोला कि मेरे 4 ऑफिसर आपके केस में जांच कर चुके हैं जी मुझे याद है आप कह रहे हैं जिस चीज की बात कह रहे हो
जिस चीज के विषय पे जो साहब बोल रहे हैं ना कि वो लेके आए सम्मान वाली बात थी, तो वो दूसरा प्रतिनिधि मंडल आया था, सम्मान नहीं हुआ, तो वहां वहां से उन्हें कह दिया था बाहर जाइए। कौन से विषय की बात कर रहे हैं? ऐसा कोई देखिए, अरे चलो आप पर भी बहुत काम है पूछने पर, कोई काम नहीं है, आप आएंगे पूरा सम्मान है, और गलत समझते हैं आप, दिक्कत ही है मेरी, मैं अगर ये उनके वहां जाके बैठ जाए, ये आप चाहते हैं कि अफसर ये करें जाकर के वहां जाकर दूसरी जगह बैठ जाए, क्योंकि इनको रोका कि भाई आप यहीं बैठिए, वहां पे चौधरी साहब भी बैठेंगे, नहीं मामला तो है भी बहुत बड़ा भी है। एक लड़का दूल्हे रहेगा, उसके साथ परसों वहाँ से मेले में जा रहा था, शाहपुर में कोई मेला भर रहा, तो लेन तोड़ का आगे चला गया होगा, चलो होगी छोटी मोटी गलती उसकी होगी, उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करा गया, वो सारा शरीर बिल्कुल लीला बना रखा पीठ पीठ से, भाई वो तो उस तभी ज़्यादा कर रखा होगा, उसके सारे हाथ पैर सारी जगह चोट है उसके, उन्हें कप्तान साहब के यहाँ कपड़े निकाल के दिखाए, तो हमें महसूस हुआ भाई चलो हम खैर प्रशासन पुलिस के साथ में कोई वैसी तो बात नहीं, पर एक व्यवहार के तरीके तो बात तो करो, हमने कप्तान साहब को यही कहा भाई एक अच्छा व्यवहार रखो, आप जिम्मेदार हो पुलिस के, ये थोड़े कोई कुछ भी कर लो, तो हमें महसूस यह भी हो रही जैसा एक अनदेखी हो, भारतीय किसानों ने किया किसी पार्टी की, तो एक अनदेखी हो रही जैसा ऊपर से आदेश आ रहा हो इन पर, भाई तुम्हें इनकी इनकी बात सुननी नहीं, तो ये ठीक नहीं बातचीत, ये गलत बात है, बातचीत सबकी सुनने से आज जो जायज बात है, सब अपने ही तो आदमी है, कोई भाजपा में हो या कहीं में हो या थोड़ा ये बात अगर कोई भाजपा का झंडा लगा के चले उसी के काम होंगे, नहीं कुछ नहीं, समय भी तो अपने ही है, सब अपने ही है, जिला अच्छा चाह चलना, ये मुश्किल में हो जाएगा काम का, देखो कुछ भी बात होगी तो बड़ा मुश्किल हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।